नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। 4 बजे एनडीटीवी पे अक्सर सवाल इंडिया का वक्त होता है और आज जो सवाल कर्नाटका की जनता ने जिसका जवाब दे दिया है कि कांग्रेस पार्टी वहां पर एक बड़े बहुमत के साथ, एक बिल्कुल स्पष्ट बहुमत के साथ सरकार बनाने जा रही है। 138 सीटों पर कांग्रेस पार्टी की जीत और लीड्स अगर मिला दें तो 138 सीटों पर उनकी बढ़त है। बीजेपी 63 पर खड़ी हुई है, 20 सीटों पर जेडीएस सिमट गई है और 3 सीटें जो हैं वो अदर्स को यानी कि अन्य कैंडिडेट्स जो हैं उनको मिल रही हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर यही है कि कांग्रेस पार्टी बड़े जीत की ओर जा रही है और साथ ही साथ आज शाम को ही कांग्रेस पार्टी की सीएलपी मीटिंग है जिसमें ये तय होगा, कम से कम ये बात जानने की कोशिश की जाएगी कि कौन, ये जो व्यक्ति आपकी स्क्रीन पर दिख रहे हैं डीके शिव कुमार या फिर सिद्धरमैया जो कांग्रेस के एक सीनियर नेता हैं, दोनों में से कौन वहां पर मुख्यमंत्री के पद की शपथ लेगा। बहुत दिनों बाद अखिलेश जी कांग्रेस के ऑफिस में इस तरीके की गतिविधि दिखाई पड़ी होगी जहां पर सुबह 8 बजे से रिजल्ट आने से पहले से ही जश्न मनना शुरू हो गया था। बिल्कुल, ये कांग्रेस का जो आत्मविश्वास था कर्नाटक को लेकर ये दिखा रहा था कि जब वोटों की गिनती शुरू होने से पहले ही वहां पर ढोल नगाड़े शुरू हो गए थे, वहां पर भांगड़ा शुरू हो गया था, वहां पर मिठाई बटनी शुरू हो गई थी, तो ये कांग्रेस की जो आश्वस्त था कि वो निश्चित तौर पर कर्नाटक को जीतेंगे वो दिखा रहा था। दूसरी बड़ी बात ये कि कर्नाटक की जनता जो कि तंग आ चुकी थी त्रिशंकु विधानसभाएं देख देख करके और जिस तरह से विधायकों की खरीद फरोख्त होती थी उसे देख करके और जिस तरह से विधायकों को रिजॉर्ट में ले जाया जाता था, ये सब बातों से तंग आकर के कर्नाटक की जनता ने फैसला किया कि इस बार हमें स्पष्ट बहुमत देना है। इस बार जो मतदान हुआ था वो रिकॉर्ड मतदान हुआ था और इसी तरह से जो जनादेश आया है वो भी बिल्कुल स्पष्ट आया है। कहीं भी किसी तरह की कोई शक शुबे की गुंजाइश कर्नाटक की जनता ने नहीं छोड़ी है, बिल्कुल पूरी तरह से जनादेश कांग्रेस की झोली में लाकर डाल दिया है। और जैसा आपने बताया अंकित कि नई सरकार के गठन की प्रक्रिया भी अब जल्दी ही शुरू होने वाली है, आज शाम को कांग्रेस के जो नवनिर्वाचित विधायक है उनकी बैठक यानी विधायक दल की बैठक बेंगलुरु में होने की बात कही जा रही है जिसमें कि अगले नेता को लेकर के बातचीत होगी जिसके बाद माना जा रहा है कि आलाकमान को अधिकृत किया जा सकता है। और यहाँ पर अलग अलग जो बयान है वो आए हैं, यहाँ तक कि राहुल गांधी भी सामने आए, उन्होंने भी एक बयान दिया है और उसके अलावा जितने भी लोगों की बातें हो रही है चाहे सिद्धरमैया हो या फिर डीके शिवकुमार हो, सबने सामने आके फौरन बयान दिया, लेकिन कोई वक्त यहाँ पर नहीं छोड़ा जा रहा है। जैसे कि अखिलेश ने भी बताया कि शाम में ही वहाँ पर लेजिस्लेटिव पार्टी के जो विधायक है उनकी बैठक होगी और फौरन सब कुछ बड़ी तेजी के साथ किया जा रहा है। एक ये नया बदलाव नजर आ रहा है, एक नजर डालते हैं बयानों पर। I credit my party cadres and my all my leaders. They have worked hard. People have exposed faith in us. The leaders have supported us. It is a collective leadership and we have jointly worked. I have said in the beginning, joining together is the beginning. On the day we took the oath, thinking together is the progress. Working together is the success. That is what I said on the day. I assured Shrimati Sonia Gandhi, Rahul Gandhi and Priyanka Gandhi that and Mr. Kalika Malika Jirkarge that I will deliver Karnataka to their fold. I can't forget Shrimati Sonia Gandhi coming to meet me in jail when all these BJP people put me under jail. So I rather choose to be in jail than on having an office. That is the confidence what Gandhi family and the Congress party in the entire country restored on me. I thank all my leaders in the state, including Mr. Siddaramaiah, all the MLAs, all the party officers and the workers from the block to the booth level. Congress party would get comfortable majority. I have been consistently telling during my campaign that Congress party would get around 130 seats. That was my assessment of the situation in the state. Almost it comes true. We may cross 130 also.
कांग्रेस पार्टी कर्नाटक में गरीबों के साथ खड़ी हुई, हम गरीबों के मुद्दों पर लड़े। और मुझे सबसे अच्छी बात यह लगी कि हमने नफरत से, गलत शब्दों से ये लड़ाई नहीं लड़ी, हमने मोहब्बत से, प्यार से, दिल खोल के ये लड़ाई लड़ी। और कर्नाटक की जनता ने हमें दिखाया कि ये देश मोहब्बत को और पादगड़े ना साक्षांग नमस्कार ನನ್ನ ಮೇಲೆ ನನ್ನ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ಮೇಲೆ ಮುಖಂಡರ ಮೇಲೆ ತಾವೆಲ್ಲ ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಇಟ್ಟು ಮೂರು ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಗೆಲ್ಲಿಸಿದ್ದೀರಿ, ಇದು ನಮ್ಗೆ ಅಧಿಕಾರ ಅಲ್ಲ, ಇದು ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟಂತ ನಂಬಿಕೆ ಮತ್ತು ಜವಾಬ್ದಾರಿ. ನಾವು ಪಾರ್ಟಿ ಪಕ್ಷ ನಾವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ನನಗೆ 122,392 ಮತ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನ ಒನ್ಸ್ ಆಲ್ ದ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ಕಮ್, ಬಿಕಾಸ್ ದೇ ಆರ್ ಆಲ್ ಟ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್ ನೌ. ಒನ್ಸ್ ದ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ಕಮ್ ಯು ವಿಲ್ ಡೂ ದಿ ಡಿಟೇಲ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಅಂಡ್ ಆಸ್ ಅ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಪಾರ್ಟಿ ಅಂಡ್ ಆಸ್ ಅ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಪಾರ್ಟಿ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಅನಲೈಸ್ ಅಂಡ್ ವಿಲ್ ಸಿ ದಟ್ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಗ್ಯಾಪ್ಸ್ ಅಂಡ್ ವಾಟ್ ಆರ್ ದಿ deficiencies were there at different levels. We will look into that and improve upon it, and we will take this result in our stride, and we will go ahead and reorganize the party. Hello. And come back during Lok Sabha election. तो कर्नाटक के बाद अब जो नजर है वो सबकी, जैसे सेमीफाइनल कहा जाता है लोकसभा चुनाव से पहले का, यानी छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, इस पर आकर टिक गई है। और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल एक बहुत बड़े की प्लेयर होंगे कांग्रेस पार्टी की रणनीति में। उनसे बात की हमारे सहयोगी जुल्फिकार ने आज के कर्नाटक के चुनाव परिणाम पर। कर्नाटक में कांग्रेस का रुझान आ रहा है, कांग्रेस की पूर्ण बहुमत की सरकार बन रही है, इस जीत को किसके पर श्रेय देंगे? देखिए, ये तो कर्नाटक की जनता की जीत है, ये कर्नाटक के कार्यकर्ताओं की जीत है, हमारी लीडरशिप की जीत है, लोकल लीडरशिप। और हमारे खड़गे साहब तो कर्नाटक से आते हैं, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष के, और उसके साथ सोनिया जी भी वहाँ चुनाव प्रचार में गई थी, और राहुल जी और प्रियंका जी तो लगातार कैंपेन में थे। तो मैं सेंट्रल लीडरशिप को भी बधाई देता हूँ कि लगातार वहाँ समय भी दिए और मुद्दों को उठाया, जनता के मुद्दे को उठाया, और जनता उनसे जुड़े भी। और ये जीत कांग्रेस की जीत है, आम जनता की जीत है। अच्छा, क्या लगता है कि कर्नाटक चुनाव में ये कहा जा रहा था कि कर्नाटक में कांग्रेस की जीत होती है तो भारतीय जनता पार्टी के विपरीत ही हवा चलेगी, तो क्या हवा बदल रही है? निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी लगातार ये कह रही थी कि कर्नाटक जीतेंगे तो कांग्रेस का एटीएम बन जाएगा, छत्तीसगढ़ में आते तब भी कहते हैं कि कांग्रेस का एटीएम है, तो भारतीय जनता पार्टी बताए उनके एटीएम कौन है? अब उनके, मैं, मुझे तो लगता है कि एटीएम नहीं, उनके पास तो सीधा रिजर्व बैंक उसके पास है, है ना, तो वो बताए किसको बोलते हैं। लेकिन दूसरी बात ये है कि भारतीय जनता पार्टी का अब प्रभाव होना शुरू हो गया, हिमाचल जो हिमालय से लेके समुद्र किनारे कर्नाटक तक जी। अब देखें तो दक्षिण भारत में भारतीय जनता पार्टी मुक्त हो चुकी है। बजरंगबली को चुनाव मैदान में भारतीय जनता पार्टी ने कहा जाए उतारा था, और काफ़ी बजरंग दल को जो प्रतिबंध की बात कांग्रेस ने कही थी, तो बजरंगबली से सीधे जोड़ा था, तो जनता ने अब इसे नकारती नज़र आ रही है, जो शुरुआती रुझान आ चुके हैं। सीधी बात यह है कि बजरंग दल अलग है, बजरंगबली अलग है, और उसको बजरंग दल को बजरंगबली बताकर प्रधानमंत्री जी ने जिस प्रकार से प्रचार किया, तो मोदी जी को भी जवाब है ये। और बजरंगबली की जो गदा है वो भ्रष्टाचारी कर्नाटक के सरकार पे पड़ी है, और उसी का चकनाचूर हो गए, और स्पष्ट बहुमत के साथ कांग्रेस आ रही है। अच्छा, तो क्या लगता है कि हिंदुत्व का जो एजेंडा है वो कमजोर पड़ रहा है? देखिए, आम जनता के मुद्दों को लेकर लड़ाई लड़ना है, और कांग्रेस ने आम जनता के मुद्दे को लेकर लड़ाई लड़ी, इसका सफलता मिली। और ये जो हिंदुत्व के मुद्दा के लेकर लड़ते हैं, तो जनता जान चुकी है कि इससे लाभ जो वोटर है उसको नहीं मिलता, लेकिन जिसको वोट मिलता है उसको जरूर मिल जाता है। तो अभी तक के केंद्र में बैठी हुई जो भारतीय जनता पार्टी है वो इसी मामले पर लेकर वोट मांगते रहे, लेकिन आम जनता को कुछ मिला नहीं, देशवासियों को कुछ मिला नहीं, केवल नफरत के। और फायदा भारतीय जनता पार्टी जरूर होती रही, इस बात को अब जनता समझ चुकी है। भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे को जनता समझ चुकी है, ये कहना है छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का। साथ ही उन्होंने
ये भी कहा कि जनता के मुद्दों पर जो चुनाव हुआ उस पर कांग्रेस की जीत कर्नाटक में होती नजर आ रही है और आने वाले वक्त में भी जनता के मुद्दों पर देश में चुनाव होगा। जुल्फिकार अली, एनडीटीवी इंडिया के लिए। चलिए, अब सबकी निगाहें लगी हुई हैं कौन बनेगा मुख्यमंत्री, और उनमें से एक चेहरे को हम बेंगलोर से निकालकर सीधे अपने स्टूडियो में ले आते हैं। आपको बताते हैं, हमारे साथ सिद्धरमैया साहब जुड़ रहे हैं, उनके बारे में थोड़ी चर्चा भी कर लेते हैं। कर्नाटक के वरुणा से सिद्धरमैया जीत रहे हैं, गढ़ है उनका, इस बार सीट चेंज करके आए थे, कोलार चाहते थे उनको सीट दी जाए, और मुख्यमंत्री रहे हैं। और उस समय में जब ये 2013 में मुख्यमंत्री बने थे कादम्बिनी जी, तब भी इन कांग्रेस की उस वक्त पूरी मेजॉरिटी की सरकार थी, 122 सीटें कांग्रेस को मिली थी, और इस बार फिर से उम्मीद इनको होगी कि इस बड़ी बढ़त के साथ इनको मुख्यमंत्री जरूर बनाया जाए। मेरी नजर अंकित टिक गई है कि दो बार ये कर्नाटक के डिप्टी सीएम रहे, क्योंकि बात जो डीके शिकवार के बारे में हो रही है तो ये भी डिप्टी सीएम रहे। बात यहां बताना बहुत जरूरी है, जो हमने एनडीटीवी सीएसडीएस का सर्वे हुआ था उसमें 40% लोगों ने सिद्धरमैया को बतौर मुख्यमंत्री पसंद अपना वोट दिया था, और डीके शिवकुमार को केवल 4%। तो चार कहां 40, तो 10 गुना ज्यादा लोगों ने सिद्धरमैया के लिए अपना वोट दिया। इनके लिए जैसे इनकी जो जो कास्ट फैक्टर है वो भी फिलहाल इनके पक्ष में जा रहा है, इनके लिए काम करेगा, क्योंकि जैसे हम पहले ही बात कर रहे थे कि वोकल ही गए डीके शिवकुमार, कहीं ना कहीं कांग्रेस अभी नहीं चाहेगी कि लिंगायत जो हैं, जिनको बड़ी मुश्किल से बीजेपी से तोड़ के थोड़ा अपनी तरफ लेकर आए हैं, वो एक बार फिर से लामबंद होकर कांग्रेस के खिलाफ चले जाएं। दूसरे और चेहरे तो जनता पार्टी का, समाजवादी इनका एक बैकग्राउंड है, और जनता दल सेक्युलर से बाद में फिर ये कांग्रेस में आए हैं, तो इस तरह से एक लंबा सफर इनका कर्नाटक की राजनीति में। कुमारस्वामी के जब मैं इंटरव्यू कर रहा था, उन्होंने कहा था कि हमारी जो पार्टी है ना वो नर्सरी है, पूरे उसमें सारे नेता हमारे यहाँ तैयार होते हैं और फिर कांग्रेस और बीजेपी में चले जाते हैं। चलिए शिव कुमार के बारे में बात करते हैं। कर्नाटक प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष रहे हैं, आपको याद होगा कि पिछले अभी कुछ ही देर पहले वो बात करते करते काफ़ी भावुक हो गए, और उसको एक तरह से पहला उनका पंच जो है या दावा जो है बताया जा रहा है कि मुख्यमंत्री पद के लिए, और काफ़ी स्ट्रॉन्ग कंटेंडर माने जाते हैं, लेकिन खैर वो तो बाद में उस पर निर्णय होगा। दो बार कर्नाटक में मंत्री भी रहे हैं, 7 बार के विधायक हैं, लगातार जीत रहे, कनकपुरा सीट इनका बिल्कुल बैस्टियन है, वहां से लगातार जीत रहे हैं, जिस लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी में वो आती है। आपको पिछली बार याद दिला दूं कि कांग्रेस पार्टी बिल्कुल सफाया हो गया था कर्नाटक से लोकसभा में, एक सीट जो कांग्रेस पार्टी जीती थी वो इनके भाई के पास सीट है, वहां से वो एमपी है, और खास तौर से कांग्रेस पार्टी में इनका कद जो बढ़ना शुरू हुआ नेशनली, वो जब अगले जो याद होगा जब अहमद पटेल का राज्यसभा का चुनाव था, तो ये खुद वहां पर जाकर इन्होंने मैनेज करा, और उसके बाद लोगों को कैसे वहां से निकाल कर लेकर आए, बेंगलुरु के रिजॉर्ट में रुकवाया गया, ये सारा ऑपरेशन डीके शिवकुमार ने। दिक्कत ये है शिव कुमार के साथ कि जो केसेस इनके खिलाफ है, ईडी वगैरह के, वो इनके खिलाफ जाएंगे, और वो ऐसे मामले जो कि ओपन मामले है, तो कभी भी मान लीजिए आपसे कल से आपके खिलाफ कार्रवाई हो, अगर आप किसी बड़े पद पर हो, तो ये शायद इनके बाद कांग्रेस के खिलाफ जाएगी, मुख्यमंत्री ये बात इनके खिलाफ जाती है। जैसा हमने ओपिनियन पोल का भी कहा है कि लोग जो है सिद्धरमैया को इनकी तुलना में ज्यादा प्रेफरेंस देते हैं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बेटे जो हैं प्रियांक खड़गे, ये कांग्रेस पार्टी में कर्नाटका के अंदर बहुत एक्टिव रहे हैं, सोशल मीडिया कैंपेन जो कांग्रेस की 40 जो पेसीएम वाली कैंपेन है उसमें भी इनका एक बड़ा योगदान रहा है। शुरुआत में लग रहा था कि इनकी सीट थोड़ी शायद फंस सकती है, लेकिन अब ये तीसरी बार के विधायक हो गए, सबसे पहला जब चुनाव लड़ा था हारे थे, उसके बाद 2 बार लगातार चुनाव जीता, और अब ये तीसरी बार के विधायक हो गए हैं, मंत्री रहे हैं, जो पिछली बार 13 महीने की सरकार थी, और क्योंकि इनके पिता कांग्रेस अध्यक्ष भी हैं, तो उम्मीद यही जताई जा रही है कि इनको भी जरूर मौका मिलेगा, जरूर मिलेगा कैबिनेट के अंदर आने का। जी, हमारे साथ मेहमान भी जुड़ गए हैं, हमारे साथ आलोक शर्मा जी हैं कांग्रेस के प्रवक्ता, महेश वर्मा जी हैं बीजेपी के नेता, आपका बहुत बहुत स्वागत है एनडीटीवी इंडिया पर। सबसे पहले आलोक जी, आप ही के पास आना चाहेंगे, आज एक बड़ी जीत कांग्रेस पार्टी की, जिस जीत की तलाश लंबे वक्त से है, 2014 के बाद से कई बार कांग्रेस पार्टी को ऐसा लगा कि कोई जीत मिल जाती तो अच्छा रहता, लेकिन पहले हिमाचल अब कर्नाटक, तो ये रास्ते ठीक रास्ते पे जा रही है पार्टी? देखिए, सबसे पहले तो अखिलेश जी मैं धन्यवाद करना चाहूंगा कर्नाटक की जनता को, उन्होंने हमारे ऊपर भरोसा जताया है, और उनको नमन भी करना चाहेंगे कि कांग्रेस पार्टी को जिम्मेवारी मिली है, जिम्मेदारी बढ़ गई है। सबसे पहले कर्नाटक की जनता का धन्यवाद। जहां तक आपका प्रश्न है कि सही दिशा में जा रही है कांग्रेस पार्टी, पहले भी सही दिशा में थी, हमने हमेशा एक सकारात्मक विपक्ष की भूमिका निभाई, चाहे वो लैंड एक्विजिशन बिल से लेकर, राफेल से लेकर, पेगासस से लेकर, कोई मुद्दा रहा हो, और लेटेस्ट अडानी का मुद्दा चाहे रहा हो, हमने एक विपक्ष की भूमिका निभाई। लेकिन आज
जो हुआ है वो भी बहुत अच्छा है कि देश के अंदर भारतीय लोकतंत्र जाति और धर्म से बाहर आएगा, अब मन की बात ना होकर जनता की बात होनी चाहिए। वो डबल इंजन की जो भ्रष्टाचार की बात थी, कहीं ना कहीं अब उस पर विराम लगेगा। भारत को जोड़ने वाले लोग सामने आएंगे, भारत को तोड़ने वाले लोग पीछे आएंगे। अब केरला फाइल्स की बात कम होगी, अब मणिपुर की भी बात होगी ऐसा लगता है। और दक्षिण भारत जिस तरह से भाजपा मुक्त हो रहा है, हमें लगता है कि देश की जनता आज पूरी तरह से सकारात्मक रुख अपनाते हुए आगे बढ़ेगी। और हनुमान जी का विशेष धन्यवाद, संकट कटे मिटे सब पीरा जो सुमरे हनुमत बल बीरा, जिस तरह से इन्होंने एक तंत्र लोकतंत्र से लड़ाया था, लोकतंत्र जीत गया है और एक तंत्र हार गया है। आलोक जी बने रहिए हमारे साथ, महेश जी इस बात हमारे साथ हैं। महेश जी, अक्सर भारतीय जनता पार्टी अदला बदली हो गई है, अक्सर भारतीय जनता पार्टी यही बातें कह रही होती है कि हमने जो मुद्दा उठाया वो चल गया, लेकिन कहीं ना कहीं क्या इस बात की रियलाइजेशन है कि जिस तरीके से नेशनल मुद्दे ब्रॉड स्ट्रोक्स पर ये चुनाव लड़ने की कोशिश की गई, उसमें थोड़ा तड़का लगाया गया, चाहे बजरंग बली हो, रिजर्वेशन के इशू की बार बार बात करी गई, ये तक धमकाया गया लोगों को अगर कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार बन जाएगी तो दंगे हो जाएंगे, वो डर का वो बड़ा एक ध्रुवीकरण के जो मुद्दे हैं वो चल नहीं पाए भारतीय जनता पार्टी के लिए? सिर्फ एक मुद्दे को लेकर अगर हम बात करें तो ये उचित नहीं होगा, कई एक चीजें हैं, लेकिन अब तो सवाल ये नहीं है, हम वहां हार चुके हैं, कांग्रेस जीत चुकी है। आलोक जी को बधाई, मल्लिकार्जुन खड़गे जी को राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाते उनको बधाई, जनादेश जो है वो शिरोधार्य है। लेकिन सवाल यह है कि जो कांग्रेस हमें वहां ये कहती रही कि भाई 45% कमीशन पे सरकार चलती रही है, जो भ्रष्टाचार को एक बड़ा मुद्दा बनाती रही है, आज क्या उस भ्रष्टाचार को लेकर जो है कोई ऐसा कदम उठाएगी? क्या वो डीके शिव कुमार को, जिनके घर से 11 करोड़ रुपया नकदी बरामद हुआ, 600 करोड़ की अवैध कमाई जो है उनकी कहीं जब्त है, तो ऐसी व्यक्ति को, ऐसे चेहरे को क्या वो मुख्यमंत्री के रूप में या मंत्री के रूप में या सरकार में? एक तो सबसे पहले जो है मल्लिकार्जुन खड़गे जी को ये क्लियर करना चाहिए। दूसरी बात कि राहुल गांधी जी आज मल्लिकार्जुन खड़गे जी कहीं दिखाई नहीं दे रहे, ना उनको क्रेडिट ये लोग कोई दे रहा है, ना उनकी बात कोई केयर कर रहा है, ना वो कहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जयराम रमेश जी जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस इस पे राहुल गांधी जी से करा रहे। समझ में नहीं आ रहा है कि राहुल गांधी जी का जो दायित्व तो है कांग्रेस में, कम से कम चार बार मल्लिकार्जुन खड़गे जी मीडिया के सामने आ चुके हैं, राहुल गांधी का एक 1.5 मिनट का बयान आया है, तो कम से कम अब श्रेय कांग्रेस पार्टी किसको देती है वो कांग्रेस की बात है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आज राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है कांग्रेस पार्टी के वो दिखाई नहीं पड़ रहे हैं, बल्कि लोग पूछ रहे हैं, नदारद है बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, वो आके लिए जिम्मेदारी लेंगे कैसा की? हम तो जो जिम्मेवारी जो होती है हमारी वो तो हम ले लेते हैं, लेकिन हम जो जिम्मेवारी ले रहे हैं वही तो हम बता रहे हैं आपको, हम जिम्मेवारी इस बात का ले रहे हैं कि हम एक विपक्ष की बहुत ही रचनात्मक और बहुत ही प्रबल तरीके से अपनी भूमिका को अदा करेंगे। बिल्कुल, आपने जो सवाल उठाया यही बात हम पूछना चाह रहे हैं, आज भारतीय जनता पार्टी समझने की कोशिश करेगी। मैं प्रोफेसर बद्रीनारायण के पास जाना चाहती हूँ। बद्रीनारायण जी, जो अभी कर्नाटक में हुआ है उसको एक अलग से देखा जाना चाहिए या फिर उसको एक शुरुआत जैसा कि कांग्रेस दावा कर रही है वैसे देखा जाना चाहिए, या फिर ये सिंपली एक इसको इस तरह से देखा जाना चाहिए कि जो लोकल मुद्दे हैं वो जनरल मुद्दे जो आमतौर पर बीजेपी लेकर आती है उस पर भारी पड़े? बद्रीनारायण जी, आपसे प्रश्न, आपको सुनाई दे रहा है प्रोफेसर बद्रीनारायण जी? आपको आवाज आ रही है? नहीं, अभी नहीं आ रही है आवाज जी। नहीं आ रही है आवाज जी। नहीं आ रही है, हाँ प्लीज जी। आवाज नहीं आ रही है, चलिए चलिए हम आपके पास दोबारा आएंगे यहाँ पर, लेकिन सवाल जो है वो काफी यही उठ रहा है बार बार। आलोक जी, अभी से जो जिम्मेदार विपक्ष की भूमिका है उसे निभाते हुए बीजेपी आपसे सवाल कर रही है मुख्यमंत्री पद के जो दावेदार हैं आपके उनको लेकर। देखिए, मुझे लगता है कि कहावत है खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, अभी तो इलेक्शन कमीशन ने रिजल्ट भी अनाउंस नहीं किया, महाराष्ट्र में और आसाम में 42 दिन तक मंत्रिमंडल नहीं बनाते हैं, हमसे सवाल अभी से पूछ रहे हैं, कमाल है भाई। खैर कोई बात नहीं, हम तो बिल्कुल विनम्रता से जो जनता ने
जो फैसला दिया उसको स्वीकार कर रहे हैं। अभी तक बीजेपी का कोई प्रवक्ता ये नहीं कह रहा है कि जनता ने जो फैसला दिया उसको हम विनम्रता से स्वीकार करते हैं। मुख्यमंत्री बनाएंगे या नहीं बनाएंगे, सवाल सिर्फ इतना है। आप करप्शन के नाम पर जो हमारे ऊपर उंगली उठाते हैं, मोदी जी उसका खात्मा करेंगे या नहीं करेंगे? जी आलोक जी, देखिए बिल्कुल खात्मा होगा, बिल्कुल खात्मा होगा। और हमने तो मोदी जी से ही सीखा है, वोकल फॉर लोकल। मोदी जी वोकल थे, हम लोकल थे, तो लोकल ही बनेगा कोई ना कोई, आप चिंता नहीं करें। हम तो धन्यवाद भी दे रहे हैं, नमन भी कर रहे हैं। 40% जिन जिन लोगों ने कमीशन लिया वो कमीशन भी निकलेगा, लेकिन एक ही हमारे सामने, जनता का आदेश आ चुका है, हमारे सामने अब विश्लेषण में लगते हैं। प्रोफेसर हमारे सामने, शायद आपको हमारी आवाज आ रही है। जो प्रश्न आपसे कादम्बिनी कुछ देर पहले पूछ रही थी कि ये जो आज के चुनाव परिणाम आए हैं इनको आगे किस तरह से आप देखते हैं, क्योंकि सुबह से चर्चा यही हो रही है, कांग्रेस पार्टी यही कह रही है कि ये 2024 के लिए कर्नाटक की जनता ने अपना आदेश दे दिया है। देखिए मुझे लगता है कि इस चुनाव को 2024 के चुनाव से जोड़ के कुछ कई अर्थों में नहीं देखा जाना चाहिए, कुछ अर्थों में देखा जाना चाहिए। कई अर्थों में नहीं देखना चाहिए इसका जो मैं कह रहा हूं, क्योंकि वही जनता जो स्टेट इलेक्शन में किसी राज्य सरकार को किसी और पार्टी को वोट देती है, वो केंद्रीय चुनाव में मोदी जी को वोट देती है। ये कंसिडरेशन आपको दिखाई पड़ा होगा, कर्नाटक में भी फील्ड वर्क जब आप कर रहे होंगे, आपने घूमा होगा तो ये आवाज सुनाई पड़ी होगी कि हम लोग वो पार्लियामेंट में तो मोदी जी को वोट देंगे। तो इसलिए ये नहीं मानना चाहिए कि ये जीत श्योर करता है कि 2024 के चुनाव में कांग्रेस को बढ़त मिलने वाली है। दूसरी बात यह है कि इससे 2024 के चुनाव में फर्क क्या पड़ेगा? फर्क यह पड़ेगा कि कांग्रेस का मनोबल बढ़ेगा, और कांग्रेस अब, क्योंकि कांग्रेस एक लीडर बेस्ड पार्टी है, मास बेस्ड पार्टी है, पर ये कार्डर बेस्ड पार्टी नहीं है। तो कोई भी जीत इसको बहुत उत्साहित भी कर सकती है और कोई भी हार इसको बहुत निराश कर सकती है। तो ये जो जीत है वो थोड़ा उसके मनोबल को बढ़ाएगी और वो उसको एक गति देगी। लेकिन जो उसके सामने जो दल खड़ा है वो एक बहुत ही गहन सांगठनिक संगठनों, कई संगठनों से बना हुआ दल है जिसकी बहुत ही सांगठनिक शक्ति प्रबल है। वो कभी भी किसी भी जीत और हार से बहुत ज्यादा घबराती नहीं है, परेशान नहीं होती है। वो बहुत बहुत ही कॉन्सेंट्रेट करके अपने अगले संघर्ष की तैयारी करती है। ये लड़ाई 24 में बहुत ही कठिन है कांग्रेस के लिए। कांग्रेस को ये नहीं मानना चाहिए कि इससे हमें अगले में जीत हो जाएगी, लेकिन हाँ इससे एक मनोबल बढ़ेगा और इससे उनके कार्डर्स को एक शक्ति मिलेगी और वो आगे की अपनी लड़ाई लड़ेंगे। लेकिन एक बात मैं कहना चाहता हूँ, इससे जो खतरा मुझे दिख रहा है इस चुनाव के परिणाम से, कई अभी कार्डर जो इनके प्रवक्ताओं से बात हो रही थी चैनल, वो लोग कई बार कह रहे हैं कि ये जनता राहुल गांधी है, राहुल गांधी ही जनता है, यानी इंडिया इज इंदिरा इंडिया जैसा बूथ कांग्रेस के भीतर अगर कहीं नहीं विकसित होकर हो जाए, अगर कहीं विकसित न हो जाए, ये एक भय, और ये भय कांग्रेस पार्टी के लिए भी खतरनाक होगी और डेमोक्रेसी के लिए तो होगी भी। ये बहुत दिलचस्प तस्वीरें आ रही हैं। कुछ महेश वर्मा जी पूछ रहे थे अध्यक्ष जी कहाँ हैं, तो अध्यक्ष जी कुछ तस्वीरें आ रही हैं कांग्रेस के, जिनको केसी वेणुगोपाल और रणदीप सिंह सुरजेवाला मिठाई खिलाते हुए एक दूसरे को नजर आ रहे हैं। कांग्रेस के लिए भी ये अवसर बहुत कम आता है, तो आज मिठाई का लुत्फ जरूर उठाया जा रहा होगा। अग्निहोत्री जी वरिष्ठ पत्रकार भी हमारे साथ स्टूडियो में आ गए। ये सवाल जो बद्रीनारायण जी से पूछा संक्षेप में आपसे, क्योंकि आगे भी चर्चा करेंगे लेकिन अभी हमें ब्रेक लेना है, जो बात कही जा रही है कि 2024 पर इसका क्या असर पड़ेगा, आपका इस पर विश्लेषण? मोटे मोटे तौर पर बद्रीनारायण जी जो कहा, एक तो कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ेगा कांग्रेस पार्टी, दूसरा विपक्ष के जो गठबंधन है उसमें कांग्रेस की एक बार्गेनिंग पावर बढ़ेगी, और अभी जो 2024 से पहले जो 3-4 चुनाव और होने हैं राज्यों में, वहां जो कांग्रेस कार्यकर्ताओं का जो मनोबल है वो बढ़ेगा, तो कांग्रेस मुकाबले में जाएगी तो मजबूती के साथ जाएगी। अगर मान लीजिए कांग्रेस लूज कर जाती कर्नाटक, तो कांग्रेस तो आधी लड़ाई पहले ही हार जाती। इससे ये है कांग्रेस मुकाबले में आ गई है। अब आप ये नहीं कह सकते जैसे कहा जाता था कांग्रेस नो वेयर, आज 4 राज्यों में उसके मुख्यमंत्री हैं, 3 राज्यों में उसकी गठबंधन सरकार है, तो कम से कम 4+3 तो इस तरह से 7 राज्यों में उसकी एक प्रेजेंस है सत्ता में। इसके अलावा मध्य प्रदेश में भले सरकार ना हो लेकिन उसकी उपस्थिति है, या आज गुजरात में आज कांग्रेस की हालत भले बहुत पतली हो लेकिन आज भी वो बीजेपी के मुकाबले दूसरी बड़ी पार्टी, वही आम आदमी पार्टी चुनाव में थी। तो ये सब नैरेटिव बनाने में कांग्रेस को फायदा मिलेगा। और एक करूंगा कि एक चीज है जो ये चुनाव दरअसल हिंदुत्व बनाम और सोशल जस्टिस के बीच का चुनाव था। अब
कांग्रेस का जो सोशल जस्टिस का नैरेटिव है मंडल थ्री जिसकी हम लोग बात करते हैं, क्योंकि पूरे चुनाव में राहुल गांधी ने पिछड़ों के आरक्षण की बात की, ओबीसी के को न्याय देने की बात की, मल्लिकार्जुन खड़गे ने चिट्ठी लिखी जाति जनगणना को लेकर के, और वही नैरेटिव बिहार और यूपी में चल रहा है। तो अपोजिशन के लिए भी जो उसका सोशल जस्टिस का नैरेटिव है हिंदुत्व की काट के लिए, वो एक कर्नाटक के चुनाव से उसको एक रास्ता मिला है, नैरेटिव और एक मॉडल कम से कम यहां से। और ये हिमाचल मॉडल, ये मॉडल जो है, जो हिमाचल का जो मॉडल था लोकल, लोकल वर्सेस नेशनल विधानसभाओं के लिए, सर इस वापस आएंगे इस पर चर्चा पर, क्योंकि इसमें कई इंटरेस्टिंग फैक्टर्स आपने निकाले हैं, एलाइज का निकाला है आपने, नेताओं का निकाला है, कार्यकर्ताओं का, और ये सोशल जस्टिस की बात जो कह रहे हैं। तो एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद लौटते हैं इस चर्चा पर। तो कर्नाटक के बारे में लगातार बात कर रहे हैं, और कर्नाटक में ऐसी कांग्रेस की जीत हुई है कि इसमें से कई सारे पॉइंट्स जो हैं अब वो जिसको कहते हैं कि ओपन फॉर डिस्कशन है। क्या इसका असर 2024 पे होगा या फिर जो उसके पहले जो राज्यों के चुनाव होंगे उस पर होगा, लोकल वर्सेस जनरल जो टॉपिक्स होते हैं, पोलराइजेशन क्या हुआ, ये सभी चीजें, और कौन नेता बनकर उभरा, क्या ये जीत जो है उसका उसका जो श्रेय है वो सिर्फ राहुल गांधी को दिया जा रहा है, तो हार का श्रेय किसके पास जाना चाहिए। श्रेय कह रही हूं क्योंकि ये थोड़ा सा मसला अलग है कि उसमें जीत का भी थोड़ा सा बेहतरी का भी इनपुट है, तो ये कई सारे फैक्टर्स हैं। हमारे खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ बने हुए हैं। सर मैं आपसे जानना चाहती हूं, आपने एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात ये कही कि इसमें कांग्रेस मजबूत हुई है, तो कांग्रेस की मजबूती जो आप वर्कर्स को जो कह रहे हैं कि मॉरल उनका बूस्ट हुआ है, तो नेताओं का भी तो मॉरल बूस्ट होना चाहिए ना, क्योंकि हमने पिछले कुछ वक्त में देखा है कि किस तरह से जो शक्लें उतरी रहती थी और बिल्कुल मुर्दनी छाई रहती थी वहां पर दफ्तरों में भी, तो ये अब न सिर्फ एक जीत है, एक मॉरल बूस्टर है नेताओं के लिए भी, बल्कि एक लेसन भी है अगर बाकी स्टेट्स पे चाहें तो पूरी पार्टी के लिए। देखिए आलोक शर्मा जी कैसे मुस्कुरा रहे हैं, चमक रहा चेहरा उनका, हमारे साथ हैं, तो ये एक नमूना है। और आज बधाई आपको आलोक जी, और आज पार्टी में देखिए अखिलेश जी आपको याद होगा तीन राज्य कांग्रेस जीती थी 2018 में, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश, और जीती नहीं बल्कि छीना था एक तरीके बीजेपी से, लेकिन कांग्रेस दफ्तर में कोई पटाखे नहीं फूटे थे, याद करिए उस समय। और बीजेपी में अगर मान लीजिए उन्होंने लद्दाख नगर पालिका भी जीत लिया है तेलंगाना और हैदराबाद का, तो उसके बाद कितना बड़ा वो होता है। इस बार कांग्रेस ने सबक लिया, इस बार सुबह से मतलब नतीजे आने शुरू नहीं हुए, काउंटिंग शुरू नहीं हुई, पटाखे शुरू हो गए, मतलब इतना कॉन्फिडेंस लेवल तो मैंने कभी किसी पार्टी में नहीं देखा, बीजेपी में नहीं देखा कि काउंटिंग भी नहीं शुरू हुई है या पहला बिल्कुल पोस्टल बैलेट खुलने ही शुरू हुए और तब बीजेपी भी आगे चल रही थी शुरू शुरू में, तब भी पटाखे कांग्रेस दफ्तर में फूट रहे थे। तो ये एक चेंज आप देख सकते हैं इस तरह से इस चुनाव से। दूसरा एक मॉडल मिल गया उनको लोकल इलेक्शन, स्टेट इलेक्शन के लिए, भाई लोकल। और तीसरी बड़ी बात है कि जहां जहां जिस पार्टी के पास स्टेट लीडरशिप स्ट्रांग है वहां उसको फायदा मिलता है। यह बीजेपी को भी उसका फायदा मिला जब तक उसकी स्टेट लीडरशिप जिन राज्यों में रही। अब कर्नाटक में देखिए येदुरप्पा के बाद कोई ऐसा नेता नहीं है बीजेपी का जो पैन कर्नाटक जिसका असर हो। कांग्रेस के पास कम से कम तीन बड़े नेता, डीके शिवकुमार, सिद्धारमैया और खुद खड़गे जी, तो जो अध्यक्ष हैं, परमेश्वरन जी को भी आप ले सकते हैं, मान लीजिए उनका उतरी अपील भले ना हो। तो ये एक सबक है कांग्रेस ने तो लिया है, और मुझे लगता है कहीं ना कहीं बीजेपी को भी इसमें कोर्स करेक्शन करना पड़ेगा। एक बात जो सामाजिक न्याय की आपने कही थी कि सामाजिक न्याय का एजेंडा भी कांग्रेस का इससे उभर करके सामने आया है, प्रोफेसर बद्रीनारायण जी आपको लाना चाहूंगा इस पर। ये जो बात शुरुआत हुई है राहुल गांधी ने जिस तरह से कहा कि जो प्रतिशत है आरक्षण का 50 से बढ़ा दिया जाएगा, साथ ही वो कास्ट सेंसस की बात भी कह रहे हैं, तो ये जो सामाजिक न्याय के एजेंडे पर कांग्रेस पार्टी चली है, तो क्या आपको लगता है कर्नाटक में इसका फायदा उसे मिला है, और अगर मिला तो फिर आगे जाकर जो अन्य राज्य हिंदी भाषी राज्य वहां पर किस तरह से ये मुद्दा कांग्रेस को मदद करेगा? अखिलेश जी मुझे तो लगता है कि ये सामाजिक न्याय का मुद्दा कर्नाटक इलेक्शन में एक मुद्दा था, उसके साथ बहुत सारे मुद्दे थे, जैसा कोई भी चुनाव किसी एक मुद्दे से तय नहीं होता, और वो मुद्दा कोई बहुत बड़ा मेन स्ट्रीम नहीं था वहां के डिस्कोर्स का। कहते हैं हम लोग जब डिस्कोर्स एनालिसिस करते हैं तो हम लोग कहते हैं सेंट्रल कोर और पेरिफ्री कोर,
तो ये पेरिफेरी कोर का डिस्कोर्स था। तो इसमें कोई ऐसा नहीं हुआ कि इसके कारण, यानी मैं इससे एकदम सहमत नहीं हूं, ये चुनाव सोशल जस्टिस का चुनाव था, ये चुनाव एंटी इनकम्बेंसी का चुनाव था, जिसको कांग्रेस के, वही जो नेतृत्व वाली बात सही है, कांग्रेस के पास दो दो तीन तीन बड़े नेता हैं जो राज्य के स्तर पूरे राज्य में स्वीकृत हैं, और बहुत सारे मुद्दे हैं उसमें, उस पर हम लोग अलग से भी बात कर सकते हैं क्या मुद्दे थे, और दिन भर शायद उसमें बात होती भी रही है। लेकिन सोशल जस्टिस एक मुद्दा हो सकता है, लेकिन बड़ा, कोई बहुत बड़ा नैरेटिव नहीं था तो इस चुनाव में। और उत्तर प्रदेश और बिहार देखिए एकदम अलग तरह का, वेस्ट का डिस्कोर्स और जो हमारे दक्षिण का डिस्कोर्स और नॉर्थ का डिस्कोर्स में बहुत फर्क होता है। वो इसमें कंटिन्यूम ढूंढ लेना बहुत आसान होता है एनालिस्ट के लिए, लेकिन जनता जब पोलराइज होती है तो कोई इस तरह से कोई पैटर्न नहीं होता उसका, जी वो अलग अलग ढंग से पोलराइज होती है। और अभी मैं भी अभी भी कह रहा हूं कि हिंदुत्व और सोशल जस्टिस दो सर्किल है, और हिंदुत्व का सर्किल एक बड़ा सर्किल है जो सोशल जस्टिस के सर्किल को एक बड़े भाग में अपने में समाहित कर लेती है। जी कहीं कहीं वो उसको कंटेस्ट करती है, जैसे आपको कर्नाटक में अगर मान भी लें हम इस बात को कि ये इलेक्शन सोशल जस्टिस वर्सेस उसका इलेक्शन था, तो हम ये कह सकते हैं कि वो एक कहीं कहीं कॉन्टेस्ट करती है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि उसमें सोशल जस्टिस एक बड़ा मुद्दा था। उसमें बहुत सारे मुद्दे थे, पर सोशल जस्टिस कोई चुनाव जीत या हार क्या एक फैक्टर तो हो ही नहीं सकता, काफी सारी चीजें मिलकर किसी भी पार्टी को जिताती है, किसी को हराती है। आलोक जी फटाफट मैं आपसे भी ये बात पूछना चाहता हूँ, कांग्रेस पार्टी जैसे हम बार बार बात कर रहे हैं कि दोनों जीत हार से लेसन जरूर होते हैं, इससे आपके भी बड़े सारे मॉडल निकल कर आएंगे। एक मॉडल जो कांग्रेस पार्टी का हमने देखा, चाहे वो छत्तीसगढ़ की बात करें, राजस्थान की बात करें, जहां पर दो बड़े नेता उनके इकट्ठे हो जाते हैं, वहां पर कांग्रेस को बाद में बड़ी दिक्कत होती है, तो वो परेशानी आपको कर्नाटका में ना हो उसके लिए कुछ तैयारी है सर, क्या उसको देखते हुए तैयारी हो रही है? कि अभी से लोग कह रहे हैं डीके शिवकुमार सिद्धारमैया मुख्यमंत्री कौन, तो उसको देखते हुए राजस्थान जैसी स्थिति ना बने, उसको देखकर कांग्रेस क्या कर रही है? या कोई फार्मूला निकाला हो इन लोगों ने? हाँ म्यूट कर दिया आपने, अनम्यूट कर दीजिए। नहीं आ रही, अनम्यूट कर दीजिए, आवाज बंदी हुई, आवाज बंद है, आ गया सर मुझे। जी जी सर, मुझे लगता है त्यागी साहब के कहीं पर भी ऐसा कोई भी प्रतिद्वंदिता मुझे नजर नहीं आती है। छत्तीसगढ़ में भी कई बार मीडिया के साथियों ने हमसे सवाल पूछा, लेकिन भूपेश बघेल जी और बने रहे वहां पर, और जो दूसरे प्रतिद्वंदी जिनको माना गया उन्होंने कभी भी इस तरह की बात नहीं की। राजस्थान में जरूर इस तरह की बात उठी है, जिसको मुझे लगता है कि वो भी एक लोकतंत्र का हिस्सा है, चाहे वो तमाम मुद्दे उठा रहे हैं, लेकिन तरीके पे ऊपर हम और आप डिस्कशन कर सकते हैं, लेकिन जो मुद्दा उठा रहे हैं शायद वो ठीक ही है। जहां तक कर्नाटक की बात है, कर्नाटक में 1% भी ऐसी कोई बात नहीं है। जहां तक हमारे आंतरिक सूत्र कह रहे हैं, वहां पर सब चीजें कल तय कर ली जाएंगी, ऑब्जर्वर्स या विधायक दल के नेता कौन होंगे, कैसे होंगे, बहुत जल्द एनडीटीवी के पास पता चलेगा। लेकिन अब ये बात सामने आ गई है कि कपटी राष्ट्रवाद, नकली हिंदुत्व और ब्रांड मोदी, ये तीनों अब नहीं चलेंगे। आज आप किसी भी तरह से एक कपटी राष्ट्रवाद का पुलिंदा बनाएं, आप किसी के ऊपर भी सवालिया निशान लगा दें, आप हिंदुत्व की अपनी अपनी परिभाषा लेकर आ जाएं, आप किसी के ऊपर भी एंटी हिंदू होने का, एंटी नेशनल होने का टैग लगा दें, और मोदी जी का जो भ्रम है कि केवल वो जाएंगे ऐसे ऐसे हाथ हिलाएंगे और रोड शो पे सरकारी पैसे से खर्च करके आगे बढ़ जाएंगे और लोग वोट दे देंगे, ऐसा नहीं होगा। अब बाकी राज्यों में भी आपको परफॉर्म करना पड़ेगा, मोदी साहब आपको बताना पड़ेगा कि 2014 से अब 9.5 साल हो गए, आपने क्या किया है, जितने बड़े बड़े वायदे किए उसके बाद भी आप पंडित नेहरू से लेकर राजीव जी से लेकर सोनिया जी को सबको कोसते ही चले गए। तो अब ये नकारात्मक के धरातल पर जो जिस तरह का प्रचार मोदी साहब करते हैं, अब ये आगे नहीं चल पाएगा। मुझे लगता है यहीं से भारतीय लोकतंत्र और मजबूत होगा, और बहुत स्टूडियोज में आज बड़ी खुशी है, देश में तो खुशी है ही, कुछ थोड़ा से नोएडा के चैनल्स खोल दें तो वहाँ थोड़ा सी उदासी है, मासूमियत है, बाकी पूरा देश ब्रेक लेना जरूरी है, वक्त से बंधे हुए हम लोग सब, और इस ब्रेक के बाद लौटते हैं। पर अच्छी बात है कि हम नोएडा में नहीं, दिल्ली में, नोएडा के
कर्नाटक पर चर्चा लगातार हमारी जारी है और मैं यहाँ पर अपने खास मेहमान बद्रीनाथ जी के पास जाना चाहूंगी। बद्रीनाथ जी, मेरा हमेशा से मानना है कि हर स्टेट का एक अलग कैरेक्टर होता है, उसको किसी एक फॉर्मूले में किसी भी स्टेट के जरिए बांधा नहीं जा सकता है, लेकिन जो नॉर्थ साउथ की आपने बात की उसको अगर आप इलेबोरेट कर सके। देखिए, जो नॉर्थ साउथ का मैंने इसलिए कहा कि कई बार क्या होता है कि जो चुनावी मुद्दे, दो चीज हर जगह आपको दिखाई पड़ेगी नॉर्थ और साउथ दोनों में, वो है डिस्कोर्स ऑन पॉवर्टी एंड डिस्कोर्स ऑन रिलीजन। रिलीजन और पॉवर्टी, ये डेमोक्रेसी की पॉलिटिक्स का एक ऐसे दो ऐसे नारे हैं जो सभी, जिसे सभी को व्यवहारना है, यानी सभी को उससे गुजरना है और सभी को उसको करना है, चाहे वो आप सोशल जस्टिस के रूप में करें, चाहे आप किसी के भी रूप में करें। पॉवर्टी को आपको वो एड्रेस करना है और धर्म को एड्रेस करना है, क्योंकि हिंदुत्व की पॉलिटिक्स ने ये आकर के एक ऐसा माहौल बनाया है, यानी जिसको आप बीजेपी कहें या जो भी कहें, किसी को भी, यानी आपको अगर पॉलिटिक्स पे खेलनी है इंडिया में उस मैच को, तो आपको उस फ्रेम में खेलना होगा। लेकिन नॉर्थ और साउथ में फर्क ये है कि नॉर्थ में जो हिंदुत्व का डिस्कोर्स है वो बहुत पावरफुल है, और उस डिस्कोर्स में सोशल जस्टिस का जो नारा है जी, वो हिंदुत्व तो अपने में समाहित करने की दिशा में लगातार आगे बढ़ रहा है जी। और वो जो है साउथ में, उसमें रप्चरिंग है अभी, क्योंकि वहां हिंदुत्व तो है लेकिन सोशल जस्टिस, क्योंकि ट्रेडिशनली वहां सोशल जस्टिस कॉन्शियसनेस पावरफुल रहा है बहुत समय से, तो वो उस तरह से उसको रप्चर करता रहता है, वो प्रोसेस लगातार चलती रहती है। इसलिए कोई जरूरी नहीं कि जो साउथ में आपको सफलता दिख रही है वही नारा नॉर्थ में सफल हो जाए। विनोद जी, लेकिन इतना जरूर मैं कहूंगा कि हिंदुत्व और गरीबी, ये दो ऐसे, धर्म और गरीबी, इंडियन डेमोक्रेसी के डिस्कोर्स के मूल तत्व है। हर को उस रास्ते से गुजरना होगा, हर को उस फ्रेम में ही मैच। विनोद जी, एक छोटी सी बात मैं आपसे बता रहा था कि कर्नाटक चुनाव में इस बार जो रिजल्ट है उससे एक बात बिल्कुल स्पष्ट दिखाई पड़ रही है, बीजेपी का चाहे वोट शेयर उतना ही रहा हो लेकिन पूरा जो कर्नाटक की जो पोलैरिटी है वो बायपोलर की तरह होती दिख रही है। जो वहां पे रीजनल एक प्लेयर है जिसके जो सत्ता में कौन बनेगा चाबी लेकर हमेशा घूमते रहते थे, वो अब एज आउट हो रहे हैं। तो 2024 हो या उसके बाद, अब कर्नाटक की भी राजनीति जो है वो बायपोलैरिटी कांग्रेस वर्सेस बीजेपी में बनती नजर आ रही है। 2004 से कर्नाटक में ट्रेंड शुरू हो गया था कि एक थर्ड फोर्स के रूप में जेडीएस जो है आ गया था उभर करके, और जब उसने 56-57 सीटें जीती थी और कांग्रेस की 65 या 66 सीटें थी, और उसके बाद एक गठबंधन सरकार बनी थी और उसके बाद फिर बीजेपी के साथ मिलकर बनाई उन्होंने फिर, और 2008 में भी ये स्थिति थी, बीजेपी को पूर्ण बहुमत नहीं मिला था। 2013 में कांग्रेस को मिला लेकिन जेडीएस भी वहाँ एक 40 सीटें उसकी थी। इस चुनाव में जेडीएस का वाइप आउट होना लगभग, मतलब 20 सीट के आसपास या 19 सीट आप लोग दिखा रहे हैं इस वक्त उसके आसपास है जेडीएस का, तो मतलब 40 सीट्स वाली पार्टी और सीधे 19 पे आ जाए, और जो उसका गढ़ है ओल्ड मैसूर रीजन, वहां मैं देख रहा था साउथ कर्नाटक 45 सीटें कांग्रेस जीत रही जी। और ये तो इसका मतलब ये है कि अब कर्नाटक बाइपोलर पॉलिटिक्स की तरफ बढ़ चला है, और ये एक बड़ा वो है, और खास करके कांग्रेस के लिए और बीजेपी दोनों के लिए एक शुभ संकेत ये है कि अब कर्नाटक की पॉलिटिक्स अगर बाइपोलर होती है तो जो एक बार्गेनिंग पॉलिटिक्स होती थी, हाँ। रिजल्ट पॉलिटिक्स जो होती थी, हाँ। कि अच्छा भाई आप किसको बनाओगे, सौदा क्या है, सीएम बनाओ तो हम आते हैं नहीं तो नहीं जाएंगे, और जो खींचतान होती थी उससे कर्नाटक को मुक्ति मिलेगी। एक बड़ा फैक्टर जो एंटी इनकंबेंसी का चला है, आपको बताया कि 11 मंत्री जो बॉम्बे सरकार के थे वो अपना चुनाव हार गए, तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं किस कदर गुस्सा था। फिलहाल वक्त एक ब्रेक का।